नमस्कार वीके न्यूज के सुबह के प्राइम टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर शहर में कोविड संक्रमण का खतरा बढ़ा, रविवार को कुल 32 मरीज पॉजिटिव, वीएनआईटी के 4 छात्र शामिल। ओबीसी का आंदोलन दबाने के लिए कोरोना को बढ़ावा, राज्य सरकार पर प्रकाश आंबेडकर का आरोप। और नागपुर में हर मेट्रो स्टेशन पर साइकिल उपलब्ध, फीडर सेवा के लिए यात्री कर रहे उपयोग। अब खबरें विस्तार से। नागपुर जिले में रविवार को 32 मरीज कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद शहर में कोरोना का खतरा फिर से मंडराने लगा है। इसी बीच वीएनआईटी विश्वेश्वरैया राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में 4 विद्यार्थी कोविड संक्रमित पाए गए, इससे संस्थान में हड़कंप है। ज्ञात हो कि शहर में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच रविवार को फिर कोरोना का आंकड़ा बढ़ गया है। रविवार को शहर जिले में 32 कोरोना संक्रमित पाए जाने से एक तरफ प्रशासन हैरान था, वहीं वीएनआईटी जैसी संस्था में 4 छात्र पॉजिटिव होने से पूरे संस्थान में हड़कंप मच गया। संस्थान परिसर के सभी विद्यार्थियों का कोविड टेस्ट हो रहा है। वीएनआईटी प्रशासन ने दावा किया कि संक्रमितों को उपचार के लिए भेज दिया गया। देश के विविध हिस्सों में आए शेष सभी विद्यार्थियों को वापस घर जाने को कहा गया है, उन्हें वहीं रहने को कहा गया है, ऐसी जानकारी सूत्रों द्वारा दी गई है। ऐसे में किसी संस्थान में कोविड संक्रमण की दस्तक देना एक बड़ी लापरवाही मानी जा रही है, जिसके गंभीर परिणाम आने वाले दिनों में शहर में दिख सकते हैं। ओबीसी के आरक्षण को दबाने के लिए कोविड और ओमिक्रॉन के खतरे का सहारा लिया जा रहा है, ऐसा आरोप वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता एडवोकेट प्रकाश आम्बेडकर ने किया है। नागपुर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रकाश आम्बेडकर बोल रहे थे। इस दौरान ओबीसी समाज की परिस्थिति आने वाले दिनों में हलबा समाज और गोवारी समाज जैसी होगी, ऐसी आशंका प्रकाश आंबेडकर ने जताई। प्रश्न असा आहे त्याच्यामध्ये की 144 महाराष्ट्रभर लावले याचं कारण काय आहे? ते एकच कारण आहे की ओबीसीने रस्त्यावरती उतरू नये, आंदोलन करू नये म्हणून असणारं 144 त्यांनी लावून टाकलेलं आहे। ते आम्ही सरळ म्हणतोय की महाराष्ट्र शासनाला तुम्हाला अधिकार आम्ही दिलेले आहे, तुम्ही वापरा, आमचा अधिकार जो आहे तो आम्ही वापरू। तर जी अवस्था गोवारी समाजाची झाली, जी अवस्था हलबा समाजाची झाली, काही जणांकडे सर्टिफिकेट होतं पण निश्चिती नव्हती म्हणून नोकऱ्या त्यांच्या गेल्या, त्याच्यामुळे ओबीसी हा जो सर्व्हिसमध्ये लागलेला आहे ही त्याच्यावरती जबाबदारी आहे की त्याची अवस्था गोवारी आणि हलबा आणि उत्तर यांच्यासारखी होऊ नये असं जर त्याला वाटत असेल तर त्यांनी या संदर्भातल्या आपल्या समाजाला जागृती करणं आणि त्याच्याच बरोबर हा प्रश्न आणि त्याच्यातून मार्ग काढणं याची त्यांनी असणारं कारवाई केली पाहिजे। अन्यथा मला वर्ष दीड वर्षामध्ये इथल्या ओबीसींची म्हणजे नोकरीला लागलेला ओबीसी जो आहे त्याची अवस्था गोवारी समाज आणि त्याच्याचबरोबर हलबा समाजासाठी होताना दिसते अशी परिस्थिती आहे। महामंडळ नागपूरने रविवार को एसटी के सहायक परिवहन निरीक्षक पद के लिए पदोन्नती आयोजित की थी। इस परीक्षा में निलंबित 11 कर्मचारी और एक अपात्र कर्मचारी सहित कुल 12 कर्मचारियों को परीक्षा देने से वंचित कर दिया। नागपुर संभाग में सहायक परिवहन निरीक्षक के 8 रिक्त पदों के लिए कुल 72 सेवा वरिष्ठ कर्मचारी पात्र थे, इसमें 36 ड्राइवर थे, लेकिन इस परीक्षा में निलंबित व एक अपात्र कर्मचारी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। शेष बचे 60 कर्मचारियों में से 34 कर्मचारी परीक्षा देने पहुंचे। रविवार को एसटी महामंडल नागपुर विभाग की ओर से पंडित बच्छराज व्यास स्कूल में पदोन्नति परीक्षा का आयोजन हुआ, लेकिन 26 कर्मचारी परीक्षा में अनुपस्थित रहे। विभाग नियंत्रक ने बताया
कि हड़ताल पर जाने की वजह से 12 कर्मचारियों को पदोन्नति परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। गोरेवाड़ा रेस्क्यू सेंटर में उपचाररत पोंभुरना की बीमार बाघिन ने रविवार रात दम तोड़ दिया। उसे 24 दिसंबर को चंद्रपुर के पोंभुरना से इलाज के लिए गोरेवाड़ा प्रकल्प के रेस्क्यू सेंटर में इलाज के लिए लाया गया था। पिछले 2 दिनों से बाघिन का उपचार चल रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार उसके शरीर का पानी कम हो गया था, निचला जबड़ा टूटकर मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हुई थी, उसके मुंह के जख्म का इलाज किया जा रहा था। बाघिन को उबले अंडे खिलाने का प्रयास हो रहा था लेकिन उसे निगलने में मुश्किल हो रही थी। रक्त की जांच में बाघिन को संक्रमण होने का पता चला। इसके बाद भी उसकी तबीयत लगातार खराब हो रही थी, उसके सांस लेने में भी परेशानी होने लगी। आखिर रविवार रात 7 बजे बाघिन की मौत हो गई। तो वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेकिन बने रहिए आप हमारे साथ। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। पुलिस ने शनिवार व रविवार को MIDC और वाठोड़ा में छापा मारकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए का मानजा जब्त किया है। अपराध शाखा को यूनिट 3 के दस्ते ने गुप्त सूचना पर शनिवार शाम डिगडोह में छापा मारा। वहां आरोपी अभिजीत शेंडे और योगेश माहौरले के पास प्रतिबंधित मांजा मिला। इसी तरह आरोपी मुस्तकीन शेख, हसन बाग, पप्पू शाहू, दिघोरी ने मांजे के लिए दिल्ली के व्यापारी के खाते में पैसे भेजे थे। जब्त किए गए नायलॉन मांजे के साथ अपराध शाखा का दल आरोपी रोहित कोयरे शिवाजी नगर ने नायलॉन मांजे की बिक्री की थी। आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस ने 26,000 रुपए का मांजा, नकदी 2,000 और बाइक सहित 80,000 रुपए का माल जब्त किया है। दूसरी ओर रविवार के दोपहर 2 बजे वाठोड़ा पुलिस ने उमरेड रोड की शाहू फुटाना दुकान में कार्रवाई कर आरोपी करण संजय पिंपड़ीकर 22 वर्षीय गाड़गे नगर से 33,600 रुपए का प्रतिबंधित मांजा जब्त किया। आरोपी पिंपड़ीकर ने उपरोक्त मांजा बाबुलबंद से खरीदना कबूल किया, जिसके बाद बाबुलबंद से आरोपी साहिल रमेश शाहू को हिरासत में लिया गया। इस तरह पुलिस ने आरोपियों से 1,13,600 रुपए का माल जब्त किया है। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट प्रकाश आम्बेडकर ने कहा कि हमारे समाज के जनप्रतिनिधि ही हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यदि आरक्षण की समस्या का समाधान करना है तो हमारे समाज के ही प्रतिनिधि को विधानसभा में भेजने की आवश्यकता है। उन्होंने आदिवासी गौरी समाज से उनके आरक्षण की समस्या का समाधान करने के लिए चुनाव के समय एकजुट होने की बात कही है। नागपुर के न्यू मानकापुर स्थित रविवार को अन्यायग्रस्त आदिवासी गौरी समाज का विदर्भ स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस दौरान वे समाज के लोगों का मार्गदर्शन करते हुए संबोधित कर रहे थे। एडवोकेट आम्बेडकर ने कहा कि गोवारी समाज ने अपने आरक्षण के मुद्दे को लेकर संघर्ष किया, लाखों नागरिकों का मोर्चा निकला। इसी के तहत नागपुर में निकाले गए एक मोर्चे में सैकड़ों समाज बंधु शहीद हुए थे। इस घटना की गंभीरता की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए मखराम पवार ने अपने विधायक के पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन उस समय सरकार ने उस घटना की गंभीरता से सुध नहीं ली। माना समाज का भी यही विषय था, लेकिन उनकी समस्या का समाधान निकाला गया, फिर गोवारी समाज का क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि माना समाज ने सामूहिक रूप से फैसला लेकर अपने प्रतिनिधि को चुनकर भेजा। उन्होंने स्पष्ट किया कि गोवारी समाज को भी इसी तरह सामूहिक निर्णय लेने की आवश्यकता है। नागपुर महामेट्रो ने मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के तहत यात्रियों के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें ई बाइक, ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट, मेट्रो स्टेशन पर फीडर बसें
और हर मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों के लिए साइकिलों की व्यवस्था की है। ऑरेंज और इक्का लाइन कॉरिडोर यह साइकिल नागरिकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। मेट्रो स्टेशन पर खड़ी साइकिलें माई बाइक और VIPL के स्वामित्व में है। ये सभी साइकिलें ऐप पर आधारित है और नागरिक मेट्रो स्टेशन से आसानी से साइकिल ले सकते हैं। इस साइकिल का उपयोग मेट्रो से यात्रा करते समय साइकिल से मेट्रो स्टेशन से अपने गंतव्य स्थान तक किया जा सकता है और यह साइकिल आपको एक महीने के लिए भी मिल सकती है। मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध साइकिलें दैनिक, साप्ताहिक और एक महीने के लिए उपलब्ध है। 2 रुपए 479 पर 599 रुपए मासिक प्रति घंटे दर पर उपलब्ध है। खास बात यह है कि मेट्रो स्टेशन पर नागरिक, स्कूल और कॉलेज के बच्चे रोजाना मेट्रो से सफर कर रहे हैं और मेट्रो का सफर पूरा होने के बाद मेट्रो स्टेशन से साइकिल का इस्तेमाल कर रहे हैं। नागपुर मेट्रो रेल परियोजना की ऑरेंज और एक्वालाइन ने हर 15 मिनट में सुबह 6:30 बजे से रात 9 बजे तक खुली रहती है। शहर में बड़ी संख्या में साइकिल सवार है जो प्रतिदिन कॉलेज, कार्यालय और अन्य स्थानों से साइकिल से आते जाते हैं। मेट्रो के साथ साथ साइकिल से यात्रा करना अब सुविधाजनक हो गया है। मेट्रो के साथ साइकिल एक पर्यावरण के अनुकूल यात्रा सेवा है जो नागरिकों को लाभान्वित करती है। वही खापरी मेट्रो स्टेशन से बुटीबोरी और लोकमान्य नगर मेट्रो स्टेशन से हिंगना और आसपास के इलाकों में फीडर सेवा के रूप में बस सेवा शुरू की गई है, जिससे यात्रियों को काफी फायदा हो रहा है। बुटीबोरी और हिंगना शहर से प्रतिदिन हजारों यात्रियों का आना जाना लगा रहता है। तो सुबह के प्राइम टाइम में बस इतना ही, लेकिन अन्य खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ।